नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महितपुर के एमपीईबी कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने विद्युत डीपी बंद होने के मामले में एक घोसला महितपुर मार्ग पर चक्का जाम किया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता भी इस चक्का जाम में शामिल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे एमपीईबी के अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम खोल दिया गया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। तहसील के गांव कढ़ाई में ग्रामीणों द्वारा पिछले 4 वर्षों से नई विद्युत डीपी लगाए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में बारिश और तेज आंधी तूफान के कारण गांव में लगी पुरानी विद्युत डीपी भी खराब हो गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीण एमपीईबी कार्यालय पहुंचे और घोसला महितपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस नेता दिनेश जैन भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया। मौके पर पहुंचे एमपीईबी के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर सुनी गई, साथ ही कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। चक्का जाम किया गया, क्या कारण था? देखिए, अभी संज्ञान में आया, कढ़ाई गांव के कृषक लोग हैं। इनका कहना है कि इनके 3-4 दिनों से डीपी बंद है, 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। इस संबंध में मेरी जो डीएमपीपी महितपुर के हैं शर्मा साहब, उनसे बात हुई। आज ही इनकी वोट वाली डीपी वो लगवा देंगे। इनकी एक और एडिशनल डीपी की मांग थी कि इससे पूर्ति नहीं होती है, तो वो भी 1 सप्ताह में लगाने का उन्होंने गाँव के 200 से 300 किसान 4 दिन में इतने परेशान हो गए। 4 दिन से उनके गांव में बिजली नहीं है। 200 की एक डीपी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होने के कारण एमपीपी विभाग उसको लेके आ गया। 4 दिन से लोग परेशान थे। जब वो यहां पर अपनी मांग को लेने के लिए आए तो चारों अधिकारी, ना बिजली विभाग का कोई अधिकारी था, ना प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी एसडीएम तहसीलदार भी नहीं थे। 3 घंटे तक लगातार रोड के ऊपर बैठने के बाद तहसीलदार साहब आए और उन्होंने कहा कि 200 की डीपी आज लगवाएंगे और 4 दिन के अंदर हम एक एडिशनल डीपी और लगवाएंगे। उस मांग से सहमत होकर अगर 200 की डीपी आज ही वो अपने खर्चे से भेज देंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है 4 दिन बाद एक एडिशनल डीपी का दिया है, और लाइनमैन को हटाने की बात करने के ऊपर हम हटे हैं। शाम तक हम इंतजार करेंगे, वरना शाम के बाद वापस हम अपनी मांगों को लेकर सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे।